दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैगन टेक पर। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी और बताया था आपको यार Xiaomi फैंस के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि काफी लोग सोच रहे थे Redmi Note 7 S के अंदर उनको Snapdragon 730 देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन चलिए उस डिसअपॉइंटमेंट को छोड़िए, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी गुड न्यूज़ के बारे में जिनसे मतलब यार दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, आपका भी और मेरा तो हो ही चुका है जब से मैंने ये न्यूज़ जो है वो सुनी है। और आप लोगों के लिए काफ़ी मसाला मैंने इकट्ठा किया यार, तो कर दो इस वीडियो को लाइक, लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का। और अगर अभी तक आपने स्वैगन टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो पहली गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो Redmi ने दावा किया था कि हम अगला स्मार्टफोन जो है अपना लाने वाले हैं Snapdragon 730 के साथ, वो फ़ोन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि मनु कुमार जैन ने आज ट्वीट किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई हम Redmi Note 7 S के अलावा और भी डिवाइसेस लेके आने वाले हैं, और जैसा कि हमने दो कुछ हफ्तों पहले प्रोमिस किया था कि 730 के साथ हमारा एक फ़ोन आएगा, तो हम उसको बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई इसका मतलब उन्होंने खुद ही कह दिया कि कल हमारा Redmi Note 7 S आ रहा है, लेकिन उसके अलावा हम 730 के साथ भी एक फ़ोन लेकर आने वाले हैं। तो क्लियर हो गया भाई, Redmi Note 7 S में आपको नहीं देखने को मिलेगा 730, और ये चीज भी कंफर्म होगी कि 730 वाला फोन आ रहा है, आपको जून के महीने के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही एक्साइटेड है हम इस चीज को लेकर, क्योंकि पहला स्मार्टफोन होगा 730 के साथ इंडिया के अंदर। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे गुड न्यूज की। तो यहां पर हम सभी लोग वेट कर रहे हैं भाई Redmi K20 का, जो कि फ्लैगशिप किलर फोन होने वाला है इंडिया के अंदर। जी हां, यहां पर इंडिया में भी इसके टीजर जो है वो आप लोग देख चुके हो, और यहां पर मतलब किलर ये फ़ोन होने वाला है। जी हाँ, ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा भाई, इनके GM ही बोल रहे हैं, लू वीविंग जो इनके चाइना के अंदर इनके GM हैं, उन्होंने वीवो पर पोस्ट कर बताया है कि यहाँ पर आपको सेल्फी पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसको 300,000 बार टेस्ट किया है। और उनका ऐसा दावा है कि अगर आप 100 सेल्फी भी डेली लेते हो तो 8 साल तक ये पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये भी एक भाई कमाल की चीज़ है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये फ़ोन लाइट वेट होने वाला है, अगर कंपटीशन को देखते हैं दूसरे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जिनमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जहां पर पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको मोटर भी देखने को मिलती है, और जो बॉडी होती है कैमरे की वो भी मेटल की बनी होती है, क्योंकि वहां पर ड्यूरेबिलिटी का इशू आ जाता है, तो इसलिए उनको मेटल यूज़ करना पड़ता है, और जिसकी वजह से फ़ोन का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने बोला है सीधा सीधा कि जितने भी दूसरे पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म वाले फ़ोन हैं उन सब से हमारा वेट कम होगा। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि भाई पैसे को लेकर भी लड़ाई होने वाली है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम सबसे सस्ता फोन लॉन्च करेंगे स्नैपड्रैगन 855 के साथ। तो भाई ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि सबसे सस्ता आपको फ्लैगशिप फोन देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और टीजर जारी किया है उन्होंने, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको सुपर स्लो मोशन भी देखने को मिलने वाला है। एक और चीज ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो है वो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा सोनी IMX586 सेंसर के साथ, साथ ही आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। ये चीज भी ऑफिशियली कंफर्म जो है वो कर दी गई है। और वैसे दोस्तों ये जो फोन है K20, ये एक्चुअली चाइना में पहले लॉन्च होगा और साथ ही आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा उसके कुछ ही दिन बाद, या साथ के साथ भी मिल सकता है। और यहां पर जो है पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन लिस्ट जो है वो भी लीक आउट होकर सामने आ चुकी है लॉन्च से पहले, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि क्या स्पेसिफिकेशन है जो आपको Redmi K20 जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन आने वाला है, फ्लैगशिप किलर फोन आने वाला है, क्योंकि ये चीज भी कंफर्म करी है उन्होंने भाई लू वीविंग ने बताया है कि हमने इसका नाम K20 क्यों रखा है। भाई उन्होंने के जो वर्ड यूज़ किया वो किलर के लिए यूज़ किया है, लेकिन 20 क्यों यूज़ किया ये नहीं बताया भाई, K10 कहाँ पर है। चलिए उस बात को छोड़िए, यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको 6.39 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 90:5:9 के साथ, फुल वीडियो इस पे मिलेगा, कोई नोच कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, पीछे की तरफ आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करता हूँ, ये तो कन्फर्म है भाई, स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिलेगा एड्रीनो 640 GPU के साथ, परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर बैटरी सेक्शन की 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी टाइप सी के साथ, 27W की रैपिड चार्जिंग आपको इन द बॉक्स जो है वो देखने को मिलेगी, ये भी काफी कमाल की चीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर पीछे की तरफ आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, तो आपको यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। कैमरा सेक्शन की बात कर लेता हूं, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का जो कि वाइड एंगल होगा, और जो तीसरा कैमरा होने वाला है वो 8 मेगापिक्सल का होने वाला है टेलीफोटो लेंस। फ्रंट कैमरे की बात कर लेता हूं, तो यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा अपर्चर f2.0 के साथ, और यहां पर आपको सुपर स्लो मोशन भी देखने को मिलेगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, EIS वगैरह आपको इस फोन के अंदर
मिल जाएगा। तो एक तरह से कंप्लीट कैमरा पैकेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्टोरेज मिलेगी वो मिलेगी आपको UFS 2.1 वाली, और जो रैम मिलेगी वो मिलेगी आपको LPDDR4X रैम। जी हाँ, यहाँ पर आपको 6GB रैम 8GB रैम के दो फोन, जो दो मॉडल है वो देखने को मिलेंगे, 64GB और 128GB। इसके अलावा आपको एक 256GB वाला मॉडल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका प्राइस जो है वो क्या लगता है, लीक्ड स्पेसिफिकेशंस या लीक्ड र्यूमर के हिसाब से इसका प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से जितना मैं गेस करता हूँ वो है यहाँ पर 25,000 के आसपास। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके हिसाब से इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये हो सकता है कि यहाँ पर एक K20 Pro भी आ सकता है जो कि शायद पोको F2 के नाम से आए, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली अभी टीजर्स में देखते हैं तो यहाँ पर K20 ही नाम दिया है इंडिया के अंदर भी, और चाइना में भी इसको K20 ही नाम दिया गया, ये ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फोन आपको जून के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, इंडिया और चाइना दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली होगी, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, यार बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी है इधर उधर से। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।